भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना किया। बीजेपी ने शनिवार को पवन सिंह को पश्चिमी बंगाल के आसनसोल से उम्मीदवार घोषित किया था, लेकिन आज पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से मना कर दिया। पवन सिंह क्यों चुनाव नहीं लड़ रहे, इसका उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। हालांकि यह भी तय है कि पवन सिंह ने टिकट मांगा होगा या उनसे पहले बात हुई होगी, तभी बीजेपी ने उनको टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा के सामने अपना उम्मीदवार बनाया था। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में भाजपा ने 4 भोजपुरी अभिनेताओं पर दांव लगाया है। उनमें से भोजपुरी के पावर स्टार अभिनेता पवन सिंह ने उम्मीदवारों के नाम की घोषणा के दूसरे दिन ही चुनाव लड़ने से मना कर दिया। भाजपा ने जिन 4 भोजपुरी अभिनेताओं पर दांव लगाया है उनमें से 3 दिनेश लाल यादव निरहुआ, मनोज तिवारी और रवि किशन पहले से ही भाजपा के सांसद हैं। वहीं भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह को भाजपा ने पश्चिमी बंगाल के आसनसोल सीट से चुनाव मैदान में उतारने की घोषणा की, लेकिन पवन सिंह ने इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ने में असमर्थता जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स हैंडल के जरिए ऐलान किया कि वह इस सीट से चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। पवन सिंह ने रविवार को एक्स पर लिखा, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का दिल से आभार प्रकट करता हूं। पार्टी ने मुझ पर विश्वास कर आसनसोल का उम्मीदवार घोषित किया, लेकिन किसी कारणवश मैं आसनसोल से चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। उन्होंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को अपना यह संदेश टेक किया है। आसनसोल सीट से बीजेपी के प्रत्याशी पवन सिंह ने चुनाव लड़ने से इनकार करने के बाद टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने कहा है कि विपक्ष में कोई भी खड़ा हो मैं रिकॉर्ड वोट से जीतूंगा। बीजेपी ने बेहद कमजोर उम्मीदवार उतारे हैं। वहीं इसके बाद सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा, बीजेपी ने भोजपुरी स्टार पवन सिंह को आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिया, उन्होंने वो टिकट ठुकरा दिया और कहा वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको क्या लगता है, ना लड़ने का निर्णय पवन सिंह का अपना है या उनकी तारीफ में जो कसीदे पड़े गए, उनके महिलाओं के प्रति आचरण पर जो सच सामने आया जिससे जबरदस्त आक्रोश भड़का, उसको देखकर बीजेपी को झुकना पड़ा और उनसे यह कहलवाया गया है। जो भी हो, बीजेपी औरतों के बारे में क्या सोचती है, यह पवन सिंह को उम्मीदवार बनाकर इस पार्टी ने दिखा दिया, यह डर अच्छा है। इससे पहले शनिवार को पवन सिंह ने भाजपा द्वारा आसनसोल से लोकसभा का टिकट दिए जाने पर लिखा था, शीर्ष नेतृत्व का दिल से धन्यवाद। उन्होंने अपने ट्वीट में पीएम नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, भाजपा महासचिव विनोद तावड़े का आभार व्यक्त किया था। पवन सिंह बिहार के आरा के रहने वाले हैं। भाजपा ने उन्हें पश्चिमी बंगाल के आसनसोल सीट से टिकट दिया था। फिलहाल यहां से शत्रुघ्न सिन्हा तृणमूल कांग्रेस से सांसद है। ऐसे में क्या कहना है आपका, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को बीच में छोड़कर विदेश निकल गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने प्रचारित किया कि उन्हें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने लेक्चर देने के लिए बुलाया है। ये सारा दावा फर्जी निकला है। ऑफ इंडिया के पास इस बात के एक्सक्लूसिव सबूत है। दरअसल राहुल गांधी की जिस यात्रा को कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय की यात्रा बताया जा रहा है, वो दरअसल एक कॉलेज की यात्रा है। यही नहीं, उस कॉलेज में भी राहुल गांधी ने जो भाषण यानी लेक्चर दिया, उसे सुनने वाले भी मुट्ठी भर लोग थे और इस भाषण को देने के लिए व्यवस्था करनी पड़ी क्योंकि इस जगह को पैसे देकर कोई भी बुक कर सकता है। वहीं भारत जोड़ो न्याय यात्रा 7 मार्च को बांसवाड़ा जिले में प्रवेश करेगी। इससे पूर्व कांग्रेस पार्टी में भारी भगदड़ मचने वाली है। यह बड़ा दावा पूर्व मंत्री और कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC के सदस्य रहे महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने किया है। मालवीय ने दावा किया है कि जिले में सरपंच को लेकर जिला प्रमुख तक सभी अगले कुछ दिनों में भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे। वहीं इसके उलट कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष ने मालवीय के इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। करीब 5 दशक तक बांसवाड़ा जिले में कांग्रेस पार्टी की धुरी कहे जाने वाले और कई बार मंत्री और कांग्रेस की सर्वोच्च कमेटी CWC के सदस्य रहे महेंद्र जीत सिंह मालवीय ने भाजपा ज्वाइन करने के बाद बड़ा दावा किया है कि अगले कुछ दिनों में कांग्रेस पार्टी में भगदड़ मचने वाली है और बांसवाड़ा जिले में सरपंच से लेकर जिला प्रमुख तक सब लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले हैं।
मालवीय ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की उपस्थिति में हजारों जनप्रतिनिधि, पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल होंगे, जिसमें प्रमुख रूप से जिला प्रमुख रेशम मालविया, उप प्रधान प्रेम प्रताप सिंह मालविया सहित अन्य पदाधिकारी शामिल होंगे। बांसवाड़ा जिले में 7 मार्च को राहुल गांधी की अगुवाई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा प्रवेश करेगी, जिसके लिए कांग्रेस सरकार तैयारी में जुट गई है, लेकिन पार्टी में असमंजस की स्थिति होने से उत्साह नजर नहीं आ रहा। जहां डूंगरपुर जिले में भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर जन जागरण रैलियां निकाली जा रही है, वहीं बांसवाड़ा जिले में अभी कोई गतिविधि नजर नहीं आ रही है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष रमेश चंद्र पंड्या इससे इत्तेफाक नहीं रखते और पार्टी में किसी तरह की उवाहपोह की स्थिति से भी इनकार कर रहे हैं और मालवीय के दावे को भी खारिज कर रहे हैं, लेकिन यह भी कह रहे हैं कि कौन नेता पाला बदल रहा है उनको इसकी जानकारी नहीं है। मालवीय के भाजपा ज्वाइन करने के बाद से जहां जिला प्रमुख रेशम मालवीय, उप प्रधान प्रेम प्रताप सिंह मालवीय सहित कई कांग्रेसी नेता खुलेआम भाजपा के कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, ऐसे में यह कहा जा सकता है कि आने वाले दिन कांग्रेस की राजनीति में काफी उठापटक के साबित होने वाले हैं। क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। राजधानी पटना के गांधी मैदान में हजारों की भीड़ चिल्ला रही थी, जब लालू प्रसाद यादव बोलने के लिए खड़े हुए। लालू हालांकि धीरे धीरे भाषण दे रहे थे, अंदाज वही पुराना था। लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए राजनीति अपने चरम पर पहुंच गई है। बिहार के जंगलराज के पर्याय माने जाने वाले राष्ट्रीय जनता दल RJD के संस्थापक लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। लालू ने कहा कि पीएम मोदी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी मां के देहांत के वक्त उन्होंने अपना सिर नहीं मुंडवाया था। पीएम मोदी की गरिमा का मान मर्दन करते हुए लालू यादव पीएम मोदी के तू तड़ाक शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने कहा, मोदी क्या है, मोदी कोई चीज नहीं है, मोदी के पास तो परिवार भी नहीं है। अरे भाई, तुम बताओ ना कि तुम्हारे परिवार में कोई संतान क्यों नहीं हुआ। ज्यादा संतान होने वाले लोगों को बोलता है कि परिवारवाद है, परिवार के लिए लड़ रहा है। लालू यादव ने आगे कहा, तुम्हारे पास तो परिवार ही नहीं है, तुम तो हिंदू भी नहीं हो। मोदी की माताजी का जब निधन हुआ तो सबने देखा कि मोदी ने मां की मौत के बाद भी बाल दाढ़ी नहीं बनवाया। किसी का मां मरती है तो बेटा बाल अपना छिलवाता है, तुम क्यों नहीं छिलवाए। जब तुम्हारी मां का निधन हुआ, उन्होंने कहा कि जो बिहार फैसला लेता है वही देश के लोग अनुकरण करते हैं। लालू यादव ने आगे कहा, तेजस्वी महागठबंधन सरकार के दौरान लाखों रोजगार दिया, हम रोज पूछते थे आज कितना रोजगार दिया। तेजस्वी अच्छा काम किया। साल 2017 में जब नीतीश महागठबंधन से NDA में गए तो नीतीश को हम गाली नहीं दिए, हम कह रहे थे पलटू राम है। इसके बाद हम उनको फिर महागठबंधन में दोबारा लिए, हम लोग से गलती हुई। लालू यादव ने कहा, मैं TV में देखता हूं कि कोई माला पहना रहा है, कोई फूल पहना रहा है, शर्म नहीं आती है क्या नीतीश कुमार को। यह सब देखकर देख रहे हैं कि उनका शरीर भी काम नहीं कर रहा है। आजकल आज के गांधी मैदान का जुटान देखकर और भी पता नहीं कौन बीमारी पैदा ले लेगा। दरअसल बिहार की राजधानी पटना में रविवार को राजद द्वारा आयोजित जन विश्वास रैली विपक्षी दलों राहुल गांधी, अखिलेश यादव समेत कई विपक्षी नेता पहुंचे। इसमें तेजस्वी यादव के साथ लालू यादव भी पहुंचे। इस रैली में बोलते हुए लालू यादव ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला। इस दौरान उन्होंने कमंडल और मंडल कमीशन का भी जिक्र किया। लालू प्रसाद ने कहा, यह कहता है कि भगवान में प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, बताओ कि बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही भगवान अब तक थे। मंडल कमीशन को लेकर उन्होंने कहा, मंडल कमीशन का नतीजा है कि आज हर पिछड़ा वर्ग, दलित, वंचित और गरीब सत्ता के दरवाजे पर खड़ा है। यह नरेंद्र मोदी क्या चीज है, बता दे कि मंडल कमीशन को VP सिंह ने PM रहते लागू किया था। ऐसे में क्या कहना है आपका इस पर, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। जय हिंद, जय भारत। कुछ दिन बाद ही लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। कांग्रेस ने यूपी में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी और दिल्ली, गोवा, हरियाणा और गुजरात में आम आदमी पार्टी के साथ सीटों का बंटवारा कर लिया है।
लेकिन पश्चिमी बंगाल की 42 लोकसभा सीटों के बंटवारे पर कांग्रेस अब तक टीएमसी सुप्रीमो और सीएम ममता बनर्जी को मना नहीं कर सकी है। कांग्रेस ने एक बार फिर हसरत जताई है कि पश्चिमी बंगाल में भी ममता बनर्जी के साथ सीटों का बंटवारा हो जाएगा। वहीं दिल्ली की चांदनी चौक लोकसभा सीट से टिकट न मिलने के बाद बीजेपी के निवर्तमान सांसद और पूर्व मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने सक्रिय राजनीति छोड़ने का ऐलान किया है। एक्स पर अपने पोस्ट में डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है कि सेवा ही उनका धर्म रहा है। उन्होंने लिखा कि गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने की खातिर ही मैंने कानपुर के GSVM मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की। उन्होंने यह भी लिखा है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय नीति से वो बहुत प्रभावित रहे हैं। डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा है कि आरएसएस के तब के नेतृत्व के कहने पर मैं राजनीति में आया। उन्होंने लिखा कि मुझे राजनीति में लाने में आरएसएस इसलिए सफल रही क्योंकि मुझे गरीबी बीमारी वगैरह से लड़ना था। डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह भी लिखा कि बिना किसी खेद के उनको कहना है कि आम आदमी की सेवा में शानदार पारी खेली, यह काम दिल्ली और केंद्र की सरकारों में स्वास्थ्य मंत्री बनकर किया। उन्होंने लिखा कि मुझे यह खास मौका मिला कि मैंने पहले भारत को पोलियो मुक्त कराने की दिशा में काम किया और फिर कोविड की बीमारी के दौरान जनता की सेवा की। बीजेपी नेता डॉक्टर हर्षवर्धन ने लिखा कि भगवान राम ने मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं लोगों की जान बचा सकूं। उन्होंने पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं, फैंस और समर्थकों को धन्यवाद दिया और अंत में कहा कि मुझे वादे निभाने हैं और सोने से पहले मीलों का सफर तय करना है। इसके लिए उन्होंने लिखा कि दिल्ली के कृष्ण नगर में ENT क्लिनिक मेरा इंतजार कर रहा है। बता दें कि इससे पहले दिल्ली से बीजेपी के निवर्तमान सांसद गौतम गंभीर और फिर पूर्व वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी एक्स पर पोस्ट कर सक्रिय राजनीति से अलग होने का ऐलान किया था। इन दोनों नेताओं ने भी खुद को मौका देने के लिए बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व को शुक्रिया अदा किया था। अब सक्रिय राजनीति से डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी विदाई ले ली है। अब देखना यह है कि क्या और भी नेता इन दिनों की राह पर चलते हैं। वहीं केरल की वायनाड लोकसभा सीट से कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव लड़ने के बारे में पूछे गए सवाल पर जयराम रमेश ने कहा कि चर्चा जारी है और राहुल गांधी सीट के बारे में तय करेंगे। बता दें कि CPI ने वायनाड सीट से अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। CPI पहले से कहती रही है कि राहुल गांधी को वायनाड छोड़ किसी और सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में राहुल गांधी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे इसे लेकर अभी संशय की स्थिति है। राहुल गांधी 2019 में अमेठी और वायनाड दोनों जगह से चुनाव लड़े थे। अमेठी में बीजेपी की स्मृति ईरानी से वो हार गए थे। क्या कहना है आपका इस पर कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।